इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से मुझे एक ही कमेंट आ रहा है कि हाउ टू मेक इजिप्टन पिरामिड्स वीडियो, यानी कि इस तरह की वीडियो हम कैसे बनाएं, आप हमें बनाकर दिखाएं, क्योंकि आप एआई से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आप हमें इस तरह की वीडियो बनाकर दिखाएं। उसके बाद क्या था कि मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि हाउ टू मेक इजिप्टन पिरामिड्स वीडियो, लेकिन वहाँ पर जो रिजल्ट मुझे मिला देख के मैं परेशान हो गया, क्योंकि एक ही वीडियो को लोगों ने 100 बार रीअपलोड करके रखा था, किसी ने ये नहीं बताया कि इस वीडियो को कैसे बनाते हैं, या किसी ने ये ट्यूटोरियल नहीं बनाया कि इस तरह की वीडियो कैसे बनाई जाती है। तो मैंने सोचा कि चलिए जी, इस टॉपिक को मैं कवर करता हूँ, इस तरह की एक वीडियो बनाकर दिखाता हूँ, रिक्रिएशन करते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स के लिए आसानी हो जाए और इस तरह की वीडियो वो भी बना पाएं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, एक भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, वरना आप इस तरह की वीडियो नहीं बना पाएंगे। और हाँ, ये बता दूं कि मैं एआई से रिलेटेड वीडियोज़ और ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोज़ और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इन फ्यूचर आपको फ़ायदा मिल सकता है, वरना आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास इस तरह की वीडियो सेव है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसके तरीक़ेकार भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास वीडियो सेव है तो इसके एक दो सीन के स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, ठीक है, उनको क्रॉप करके अपने पास रखें, ओके। अगर ये वीडियो आपके पास सेव नहीं है तो कोई मसला नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ जिसको आप कॉपी करके आप इस तरह की वीडियो के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले चैट जीपीटी पर आएंगे, उसमें यहाँ पे ये वाला पिक्चर अपलोड करेंगे, चैट जीपीटी को हिंदी ओमन में बताएंगे कि हमें इस तरह की वीडियो बनानी है, लेकिन इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ, लेकिन सेम स्टाइल में होनी चाहिए, पिरामिड्स बना रहे हो इजिप्ट वाले, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो के लिए हमें 10-15-20 प्रॉम्प्ट तैयार करके दो, जिसमें एक पूरा पिरामिड्स बना रहे हो, इस तरह के लोग हों और इस तरह का काम कर रहे हो, ठीक है। ये हमने चैट जीपीटी को बताया और चैट जीपीटी हमें इस तरह के प्रॉम्प्ट तैयार करके देगी। एक एक प्रॉम्प्ट को आपने हिसाब से यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है वो मैं तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ। एक प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है, इनमें से ये दो वेबसाइट है, इनमें से किसी भी वेबसाइट पर आ जाना है, मैं यहाँ पर ये वाली वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ पिग्लूमिन, तो आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। इसके बाद सिंपली ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करके, अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनानी है तो आपका एस्पेक्ट रेशियो शॉर्ट वाला होना चाहिए, अगर लॉन्ग बनानी है तो लॉन्ग वाला होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये 4 वाला बटन, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट को हमने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर हमारा एक पिक्चर जो है ना वो जनरेट हो जाएगा, एक नहीं बल्कि 4 पिक्चर डाउनलोड हो सकते हैं यहाँ पर, वो 4 पिक्चर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर से जो पिक्चर आपको अच्छा लगे वो पिक्चर आपने डाउनलोड कर देना है। पिक्चर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ये हेलो एआई या फिर पिक्सवर्स एआई, ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हो या दोनों यूज़ कर सकते हो, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, ना आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी जी मेल आई डी से इनको साइन अप कर देना है, यहाँ पर कुछ क्रेडिट आपको मिलते हैं जिससे आप बार बार दूसरी जी मेल आई डी या टेम मेल का यूज़ करके एक जो क्रेडिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी एक वेबसाइट को आपने ओपन करना है, यहाँ पर उस पिक्चर को आपने अपलोड करना है, उस प्रॉम्प्ट को आपने पेस्ट करना है, जिस प्रॉम्प्ट का पिक्चर है उसी की प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो पिक्चर है उसकी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट और वो पिक्चर दोनों आपने यहाँ पर पेस्ट करने हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है, जनरेट के ऊपर क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी ये वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी, जिसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर लेकिन डाउनलोड करते वक्त आपको एक वाटरमार्क नज़र आती है, लेकिन उसका कोई मसला नहीं, उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने सारे क्लिप को आपने जो एडजस्ट करके डाउनलोड कर देना है, बना देना है अपनी वीडियो को, ठीक है। उसके बाद वीएन एडिटर को आपने ओपन करना है, सारे क्लिप एडजस्ट करना है, ठीक है। जिस जिस वाटरमार्क को आपने रिमूव करना है, हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर ये देखें, इस तरह के मैजिक पर आप आएँगे, ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ये ब्लर वाला, और उसके बाद यहाँ पर ओके करके, डन करके, यहाँ पर आप इसकी सेटिंग को एडजस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी वाटरमार्क दिखेगी नहीं, ओके। और इस वीडियो को अगर आप ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं या कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हो, वॉइस ओवर करना चाहते हो या इसमें कोई म्यूज़िक डालना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आई होप कि जो वीडियो मैंने तरीक़ेकार आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करेंगे, ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।